हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं। तो कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से नंबर वन जो है वो हम देख लेते हैं। नंबर वन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट? ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, राइट? इसमें क्या होगा, बेसिकली इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, राइट? तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो ये बेसिकली कब होता है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका एसिडिक करेक्टर, राइट? एसिडिक करेक्टर। सो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, राइट? इनके नाम में ही एसिड है। सो व्हाई दीज आर एसिड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपको देता है कार्बोक्सिलेट आयन, और जो एच पॉजिटिव है वो वाटर के साथ कंबाइन करके देता है हाइड्रोनियम आयन। तो जो भी स्पेसीज वाटर में एच पॉजिटिव डोनेट करती है वो एसिड होती है, हमें पता है। तो आप देखिए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक है, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, अगर इक्विलिब्रियम राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, सो जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज़ टू बी मोर स्टेबल देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये है एसिड। ये जो एसिड है ये कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्टेबल होना चाहिए। कैसे, अगर आप एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, राइट? सो वी विल गेट आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव। तो इस केस में क्या है, दीज आर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों के दोनों में आपको क्या दिख रहा है, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो इसकी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, उसकी स्टेबिलिटी वो बहुत ज्यादा नहीं है। और साथ में आपको क्या दिख रहा है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन फैक्टर्स की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम आप क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, राइट? तो आप देखिए ये क्या है, दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है? और यहाँ क्या है, नो चार्ज सेपरेशन। कैसे हम कह रहे हैं नो चार्ज सेपरेशन, बिकॉज देर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ भी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, यहाँ भी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो कहीं आया नहीं। और क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो जो नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो ये स्टेबल चीज है, राइट? सो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इन दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है इनका, इट इज आर सी, ये है ओ ओ, राइट?
तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये क्या है, काफ़ी स्टेबल है। तो कुल मिला के इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट कार्बोक्सिलेट आयन आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव इज मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल है इट मींस जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन जब ये क्या होगा वाटर में डिसोशिएट होके हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन देगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो अब हम इसकी स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करें, स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप एक रिएक्शन लिखेंगे एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, ये कंबाइन करके देगा आपको कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, राइट। यहाँ आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब एक्सप्रेशन लिखेंगे सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस ऑन द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस ऑन द रिएक्टेंट साइड, राइट। क्योंकि आपको पता है वाटर इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस, तो क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इनटू हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय RCOH। तो क्योंकि के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो ये कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट। सो के ए की वैल्यू आ जाएगी कार्बोक्सिलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगी के ए की इट मीन्स उतना ज़्यादा वैल्यू होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन और उतनी कम वैल्यू होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो अनडिसोशिएटेड है। इसका सीधा सीधा मतलब है लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए तो क्या होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बेस के केस में भी पढ़ा है हमने। इसके बाद आप देखिए क्योंकि के ए एक कॉम्प्लेक्स फिगर हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पी के ए लेते हैं और पी के ए क्या है भाई माइनस ऑफ लॉग के ए। तो माइनस ऑफ लॉग के ए क्या है, जितना छोटा वैल्यू होगा पी के ए का, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी के ए की क्योंकि हम माइनस ले रहे हैं माइनस लॉग ले रहे हैं तो उतना छोटा वैल्यू होगा पी के ए का। सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, राइट। ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए के ए की और कम वैल्यू होनी चाहिए पी के, ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर के का वैल्यू बहुत बड़ा है तो पी के ए की वैल्यू बहुत छोटी आएगी और दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, राइट। इसके बाद हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो उसकी एसिडिटी कैसे चेंज होती है। तो कई सारे पॉइंट इसमें हैं। नंबर वन इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द एसिड, राइट। मतलब अगर आप क्या करते हैं एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करते हैं तो ये इसकी एसिडिटी को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे छोटा एसिड ले लेंगे सो इट इज द फॉर्मिक एसिड, राइट।
इसमें हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए अगर आप एल्काइल ग्रुप भी लगाते हैं तो नेक्स्ट जो मेंबर होगा होमोलॉगस सीरीज में ये हो जाएगा, राइट। अब ये जो एसिड है वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस बॉन्ड के और प्रोटॉन चला जाता है। मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन द ओ एच बॉन्ड डिसोशिएट एंड इट रिलीजेस एच पॉजिटिव, राइट। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ ऐड हो गया है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और आपको पता है प्लस आई इफेक्ट ट्रांसमिट्स थ्रू द बॉन्ड, राइट। तो ये कंपनसेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ऑन द ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये इस बॉन्ड से इतनी ज़्यादा टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। हमने देखिए यहाँ दो एरो दिखाए हैं, यहाँ एक ही एरो दिखाया है, राइट। तो कुल मिला के सी एस थ्री ग्रुप क्या करता है, मेक्स द रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव डिफिकल्ट, राइट। डिफिकल्ट दिखाया मैंने, डिफिकल्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं एसिड में तो वो प्रोटॉन को जाने ही नहीं देता है, मतलब मुश्किल कर देता है उसका निकलना। भले ये डिसोशिएट होगा नो डाउट, बट उतना आसानी से नहीं होगा जितना यहाँ होना चाहिए था। ये तो बात है अनडिसोशिएटेड एसिड की। एसिड डिसोशिएट होने के बाद जो आयन बनाएगा वो भी स्टेबल होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा आपका एसिडिक होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ बन गया आपका फॉर्मेट आयन। अब एसिटेट आयन में आप देखिए सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करने वाला कुछ नहीं है फॉर्मेट आयन के केस में, बट एसिटेट आयन के केस में ये प्लस आई इफेक्ट के जरिए जो सी एस थ्री ग्रुप है, तो क्या हो रहा है सी एस थ्री ग्रुप इंटेंसीफाइज द नेगेटिव चार्ज एंड मेक्स इट अनस्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश किया जा रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, राइट। तो हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में एसिडिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। ऐसे आप और एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं फॉर्मिक एसिड, ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, ऐसे आप और एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट, और आप जोड़ दीजिए सी एस थ्री सी सी एच थ्री एच, राइट, यहाँ हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और आप तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर एंड नंबर फाइव। सो इन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो होगा नंबर वन, देन नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन नंबर फोर, देन नंबर फाइव। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिड की स्ट्रेंथ का, राइट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो प्रोटॉन का रिलीज है वो मुश्किल हो रहा है और जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, राइट। काफ़ी सिंपल है। इसके बाद आप देखिए नंबर टू, इसमें हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका ऑपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ एसिड्स। ये क्या कर देता है, जो एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड है सी एस थ्री को मैंने ऐसे लिख दिया एक्सपेंड करके डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट।
अब आप देखिए ये बॉन्ड क्यों, तो ये वाला जो बॉन्ड है ओ और एच के बीच का बॉन्ड, ये क्यों डिसोशिएट हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। हम रेफरेंस के लिए दो एरो मैंने दिखा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर मैं क्या करूँ, इस हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं Cl से रिप्लेस कर दूँ, आपको पता है क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब आप देखिए यहाँ से क्लोरीन भी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है अपनी तरफ, तो माइनस आई इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट है इट ट्रांसमिट्स थ्रू द बॉन्ड, तो पुल मिला के इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, सो हम लिख सकते हैं Cl मेक्स द रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव इजी, Cl मेक्स द रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव इजी, राइट। यहाँ आप देखिए HCH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव डिसोशिएट होने के बाद, राइट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इसके चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, बट इस केस में आप देख लीजिए जो Cl है वो क्या करेगा, इसके चार्ज को कम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ O के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस को कम करेगा या स्टेबलाइज करेगा। तो हम लिख सकते हैं Cl एटम स्टेबलाइजेस द एनायन बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ठीक होगा, Cl एटम स्टेबलाइजेस द एनायन बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्सल का मतलब है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो कुल मिला के इसमें जो चार्ज डेंसिटी है ओ नेगेटिव के ऊपर वो कम हो जाएगी, राइट। तो ये स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो कुल मिला के अगर हम कंपेयर करेंगे तीन एसिड्स को, राइट, एक है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एक है आपका फॉर्मिक एसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और एक है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब है एक हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है, तो सी एल सी एच एच, यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट। तो आप देखिए फॉर्मिक एसिड में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो एसिडिटी कम, फॉर्मिक एसिड में हमने इलेक्ट्रॉन फॉर्मिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा ये वाला, तो एसिडिटी कम हो जाती है, और फॉर्मिक एसिड में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ लेते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिडिटी का। एक बार अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने क्या लगाया है, हैलोजन लगाया है, बट हैलोजन भी तो अलग अलग है, तो नेचर ऑफ हैलोजन पे भी एसिडिटी डिपेंड करती है। तो थर्ड जो फैक्टर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ हैलोजन एटम, नेचर ऑफ हैलोजन एटम। तो सीधी सीधी बात है क्या, द हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन द स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को फ्लोरिन से रिप्लेस किया गया, फिर क्लोरीन से रिप्लेस किया गया, फिर ब्रोमीन से रिप्लेस किया गया, और फिर फाइनली आयोडीन से रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एटम इन हैलोजन के केस की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, नंबर वन, देन नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन नंबर फोर, क्योंकि ब्रोमीन की उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी की फ्लोरीन की है, और ये बात बाकी में भी एप्लीकेबल है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। अगर हम सेम ही हैलोजन एटम को रखें तो इसकी पोजीशन के हिसाब से भी एसिडिटी चेंज होती है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास एक एसिड है CH3 CH2CH Cl COOH,
राइट। इसके बाद आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और फाइनली हम लिखते हैं सी एच टू सी एल सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो आप देखेंगे पहले वाले केस में जो क्लोरीन है वो काफ़ी नज़दीक है इस बॉन्ड के, राइट। और ये क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है एंड माइनस आई इफेक्ट ट्रांसमिट्स थ्रू द बॉन्ड, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा और दूर हो गया देखिए आप, और यहाँ तो काफ़ी दूर हो गया, ठीक है। वैसे भी चार बॉन्ड के बाद इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वो नंबर वन में दिखेगा, देन नंबर टू एंड देन नंबर थ्री। सो अगेन नंबर वन विल बी द मोस्ट एसिडिक, देन नंबर टू एंड नंबर थ्री विल बी द लीस्ट एसिडिक, राइट। तो हमने देखा पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम पे भी एसिडिटी डिपेंड करती है। इसके बाद आप देखिए इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू सी ओ एच ग्रुप, कौन सा फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू सी ओ ओ एच ग्रुप, राइट। तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है कार्बन की इस एसिडिक ग्रुप के साथ जो कार्बन कनेक्ट है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो उस पर भी क्या करती है एसिडिटी डिपेंड करती है। सो अगर ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है ये जुड़ा है किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है या विनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो फिनाइल ग्रुप क्या होते हैं, आप बेंजीन रिंग मान लीजिए, विनाइल ग्रुप क्या होता है, आप डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, इसको हम आगे भी समझेंगे इंक्रीज, राइट। ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एसिडिटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। बट द फैक्ट इज द एसिडिटी इंक्रीजेज इफ दिस कार्बन इज अटैच टू द फिनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप। ऐसा क्यों है देख लीजिए, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी एक चीज है, राइट। रेजोनेंस इफेक्ट, की वजह से एसिडिटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, अभी हम आपको बताएंगे। बट फिनाइल और विनाइल दोनों में ही रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके बावजूद भी एसिडिटी बढ़ती है। देखिए अब विनाइल ग्रुप क्या है भाई, हमने कहा ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है इट शुड बी कनेक्टेड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन, ये तो ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है, राइट। अब यहां देखिए दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, दो इफेक्ट क्या काम कर रहे हैं, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आप ऐसा समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड, राइट। तो उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ हो जाएगा सी एच टू पॉजिटिव सी एच डबल बॉन्ड ओ सॉरी सी ओ नेगेटिव एंड एच। बट इस केस में क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, देयर इज चार्ज सेपरेशन, तो क्या है ये इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेट नहीं होगा। ये है मित्रों रेजोनेंस इफेक्ट, और वो आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ पुल कर रहा है, पुश कर रहा है सॉरी, राइट। तो इसकी वजह से जो एसिडिटी है वो कम होनी चाहिए, बट ये इफेक्ट क्या है, नॉट प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट नहीं करता है ये इफेक्ट। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, राइट, एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, किसका, CH2, CH का, ये वाला जो कार्बन है इस केस में मैं यहीं लिख देता हूँ, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, राइट। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और आपको पता होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा। दो इफेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर, रेजोनेंस इफेक्ट जिसकी वजह से एसिडिटी कम होनी चाहिए, और इंडक्टिव इफेक्ट आप मान सकते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि दूसरा वाला इफेक्ट क्या करता है, प्री डोमिनेंट है तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। एक बात राइट, तो कुछ और हम देखते हैं इसमें। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में दोनों ही इफेक्ट काम कर रहे हैं। अब हम कुछ और एसिड्स को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक एसिड हमारे पास ऐसा है जिसमें क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एसिडिक ग्रुप, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। तो आपको पता है ये है sp हाइब्रिडाइज कार्बन, राइट, ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से C6H5 सी डबल बॉन्ड OOH। तो मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, बेंजीन रिंग में यहाँ बना लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखिए अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है आपको पता होना चाहिए ये कैसा है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, राइट, मैं ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ लिख देता हूँ, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज सी डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट, और जो पहला वाला एसिड था इसका नाम था प्रोपियोलिक एसिड, दूसरा वाला आपको पता है इट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हम एक और कार्बन को, एक और एसिड को कंसीडर करें CH2 डबल बॉन्ड, ये वही वाला है जो मैंने पहले लिखा था CH2CH सी डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ भी आप देखेंगे दिस इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और एक सिंपली आपका हो गया एसिटिक एसिड, ये आपका है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो एक बात तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट। तो हमने क्या देखा है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा बिहेव करता है, तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो ये है नंबर 1 एसिड, ये है नंबर 2 एसिड, ये है नंबर 3 एसिड, और ये है नंबर 4 एसिड। तो sp इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो नंबर 1 की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें sp3 है, दिस इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नंबर 4 की सबसे कम होनी चाहिए। अब कन्फ्यूजन किस में है, इन दोनों में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 की एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नंबर 3, इसका कारण क्या है, देखिए नंबर 3 हमने अभी देखा इसमें दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक है आपका रेजोनेंस इफेक्ट जिसकी वजह से एसिडिटी कम होती है, एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो दोनों ही इफेक्ट काम कर रहे हैं, बट रेजोनेटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट, ठीक है, और इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपेरिजन में। अब आप देखिए बेंजोइक एसिड इससे ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में अगर आप देखेंगे, बेंजोइक एसिड में जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो और ज़्यादा कम है। कम क्यों है, इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे ये होगा प्लस, यहाँ चार्ज डेवलप होगा, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा OH,
बाकी बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है आपको बेंजोइक एसिड में दिख रहा है, ये बहुत वीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। तो एरोमेटिसिटी अगर डिस्टर्ब होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब बेंजोइक एसिड की ये बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है टू शो दिस रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से एरोमेटिसिटी ख़त्म हो रही है, तो ये शो ही नहीं करेगा। इस केस में आप देखिए, जो हमने पहले ये वाला एसिड डिस्कस किया था, इसमें कोई एरोमेटिसिटी है ही नहीं, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट तो करता ही है और वो एसिडिटी को कम करता है, जबकि बेंजोइक एसिड में रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से एरोमेटिसिटी अगर डिस्टर्ब हो जा रही है तो वो उसको शो ही नहीं करेगा, राइट। तो केवल इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेट हो जाता है और इसलिए इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है और ये जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो एसिडिटी हो जाएगी कम, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए, तो ये हमने कंपेरिजन क्या किया, 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे किसकी बात हम करेंगे, फॉर्मिक एसिड की अगर हम कंपैरिजन करें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट। इसके बाद हम बेंजोइक एसिड को कंपेयर करेंगे डबल बॉन्ड ओ एच, और फिर हम देखेंगे एसिटिक एसिड, तो इनमें सबसे कम एसिडिक कौन होगा, एसिटिक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, क्योंकि इसमें कोई एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, राइट। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो हमने एलिफेटिक एसिड देखे थे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये हम देखते हैं बेंजोइक एसिड में, राइट। तो बेंजोइक एसिड में क्या है भाई, अगर आप बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन करते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी CH3OH OCH3 NS2, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं आपको पता है, दे डिक्रीजेस द एसिडिटी, राइट। और इसके कंट्रास्ट में अगर आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ले लो, राइट, तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम कुछ एसिड को कंपेयर करेंगे, तो देखिए जो बेंजोइक एसिड है ये है, तो सॉरी यहाँ मुझे लगना है COH, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो है NO2। फिर अगर आप Cl लगा देंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये है अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए और ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे, जैसे एल्काइल ग्रुप आपने लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देते हैं, एसिडिटी को कम कर देते हैं, तो ये ऑर्डर होगा। और इससे बेटर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को और कम करेगा, OCH3 OR इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन R। इससे और ज़्यादा बेटर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे OH आपने लगा दिया, तो ये और ज़्यादा क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो ध्यान हमने रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी। इसके बाद हम देखेंगे जो एसिड वीकनिंग इफेक्ट है, किसका एसिड वीकनिंग जो इफेक्ट है, किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। और जो एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप का, विड्रॉइंग ग्रुप का ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है एट द, ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है एट द पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अमीन्स की बेसिसिटी में। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को किस पोजिशन में लगा रहे हो, पैरा पोजिशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, राइट, एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ प्रेजेंट एट द मेटा पोजिशन। इन द सेम वे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा रहे हो एट पैरा पोजिशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा एसिडिटी को देन व्हेन इट इज़ प्रेजेंट एट द मेटा पोजिशन। सीधी सीधी बात है, पैरा में ये इफेक्ट ज़्यादा प्रिडोमिनेट हो जाता है देन एट मेटा, और ये हमने फिनॉल में भी देखा है और अमीन्स में भी देखा है, राइट। इसके बाद एक चीज़ आती है, अगर ऑर्थो में है तो ऑर्थो में कोई भी सब्सटेंट आप लगाएंगे बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन, अब बेंजोइक एसिड में, तो ये क्या होता है, इंक्रीज ही करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, डोनेटिंग है और विड्रॉइंग है, दोनों ही केसेस में ये क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और यही ऑर्थो इफेक्ट हमने एनिलीन में भी देखा है, जहां वो एसिडिटी को भी चेंज करता है इसी तरीके से, राइट। और ये किसकी वजह से हमने कहा, ये किसकी वजह से है, स्टेरिक जो हमने उधर देखा था बेसिसिटी के केस में, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से ये है। तो अगर हम कुछ कंपाउंड की एसिडिटी को कंपेयर करेंगे, तो देखिए अगर हमारे पास है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड की कुछ एसिडिटी है, इसको आपने ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हमें देखना ही नहीं है वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग, बस ऑर्थो में अगर हो गया तो बाकी जो दो आइसोमर हैं उनसे ज़्यादा ही होगा। वैसे जो NO2 है वो क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो अगर वो आपका कहाँ है, पैरा पोजिशन में है और मेटा पोजिशन में है, तो पैरा पोजिशन में ये ज़्यादा बढ़ाता है एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ एट मेटा पोजिशन, और ये है आपका अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। देखिए ऑर्थो पैरा वाला ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पैरा वाले में ये इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा, और ये तो किसकी वजह से हो गया, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजिशन में हमने CH3 लगा दिया, तो ऑर्थो वाला तो हमेशा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बेंजोइक एसिड के पैरा और मेटा पोजिशन में क्या लगा दो, आप लगा दो CH3 ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप है एसिड वीकनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये ज़्यादा कब प्रेडोमिनेंट होता है, व्हेन इट इज़ एट द पैरा, ये एसिडिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है व्हेन इट इज़ एट द पैरा देन एट कंपेयर देन एज कंपेयर टू द मेटा। तो यहाँ करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, ये एसिडिटी को कम करने वाले हैं, पैरा में ये काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, ऑर्थो में ये बढ़ा देता है ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, राइट। तो ये हमने ऑर्डर देखा एसिडिटी का। और अगर आप क्या देखोगे, सेम ऑर्डर आप देखोगे इसके लिए, बाकी चीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं OH के लिए, राइट, अगर आप क्या देखना चाहते हैं OH के लिए देखना चाहते हैं, तो OH हमने कहाँ देखा है, ये क्या है, OH इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या कर देता है, एसिडिटी को कम कर देता है। तो अगर OH है एट द विच पोजिशन, एट द ऑर्थो पोजिशन, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, राइट। और अगर क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये वीक करता है एसिड को, तो पैरा पे ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ OH मुझे लिखना चाहिए, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि जब OH को आप रखेंगे कहाँ पर मेटा पोजिशन पे और किस पोजिशन में, एक तो अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगा, तो जब ये मेटा पोजिशन में है तो ये तो क्या है दोस्तों,
अब जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए मेटा पोजिशन में रेजोनेंस इफेक्ट तो काम करता नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट तो काम नहीं करता है मेटा पोजिशन में, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बट ये एक और इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, ओ की, तो ये इस बॉन्ड से केवल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी वजह से ये स्लाइटली क्या कर देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है आप ये समझिए, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी वजह से जब ये पैरा पोजिशन में है तो वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है नो डाउट, बट वो क्योंकि काफ़ी दूर है तो वो प्रिडोमिनेंट नहीं है, राइट। यहाँ रेजोनेंस भी है और यहाँ इंडक्टिव भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है ओ की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, राइट। तो क्या होगा दोस्तों, रेजोनेंस क्योंकि ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई देगा, ये एसिडिटी को काफ़ी कम कर देगा। बट एट मेटा पोजिशन रेजोनेंस है ही नहीं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, तो स्लाइटली ये क्या कर देता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है बहुत थोड़ा सा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें हम देखते हैं, वेन फिनाइल ग्रुप इज अटैच टू अ सी ओ एच ग्रुप, मतलब बेंजीन को हमने अटैच किया है किसके साथ, एसिड ग्रुप के साथ थ्रू वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन, राइट। तो यहाँ क्या है, बीच में कुछ कार्बन होने चाहिए, राइट, थ्रू वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन एटम्स। तो उस केस में क्या होता है, फिनाइल ग्रुप हैज़ अ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो इस ये क्या करता है, एक वीक माइनस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एसिडिटी को ये बढ़ा देगा। अब आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है एसिटिक एसिड। अब एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसकी वजह से, किससे, बेंजीन रिंग से, तो ये ऐसा हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहाँ आप देखिए, दिस फिनाइल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस कार्बन, तो रेजोनेंस तो यहाँ होगा ही नहीं, राइट। तो फिर भी यहाँ जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है आपको क्या पता है, वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसकी थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ हल्के से क्या करता है, पुल करता है, तो उसकी वजह से इसके कंपेरिजन में एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सैचुरेटेड कार्बन आ गया है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों ये जो फिनाइल एसिटिक एसिड है उसकी एसिडिटी एसिटिक एसिड से ज़्यादा है, एक बात। इसके बाद अगर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये है आपका बेंजोइक एसिड और यहाँ है आपका फिनाइल एसिटिक एसिड, तो इसमें किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब आप देखिए, जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और रेजोनेंस ये शो नहीं करता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसको मुझे ऐसा करना चाहिए, राइट। अब यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, रेजोनेंस यहाँ भी नहीं है, यहाँ रेजोनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता है रेजोनेंस का, क्योंकि बीच में एक सैचुरेटेड एक कार्बन आ चुका है, राइट। तो अब सारा जो दारोमदार है एसिडिटी का वो किस पे डिपेंड करता है, इस कार्बन पे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये लगभग लगभग वैसे ही हो गया जैसा हमने देखा था पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ये जस्ट इस कार्बन से जुड़ा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। तो मैं इसको डबल लाइन से दिखा देता हूँ, ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की,
जबकि इसमें इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये दूर हो गया ना, राइट। सो ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस वॉज पार्ट टू ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये चैप्टर, ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।